जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि आरएएमसी का एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, क्या इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, या जीके इम्पॉर्टेंट है, या फिर इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट है? मैं इसका जवाब हमेशा ये देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। अब ये माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट होता है एटीट्यूड टू विन। जो हमारी सोच होती है कि हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है एक स्कूल के लिए है जो कि देहरादून में है, जो कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक है। तो जो पेरेंट्स हैं वो पहले ही हार मान जाते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा कहाँ ये एग्ज़ाम निकाल पाएगा। या स्टूडेंट भी है वो भी सोचता है कि यार सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, हर एक स्टेट से एक या फिर दो सीट्स हैं, मेरा तो नहीं होगा। तो वो लोग तो पहले से ही हार मान लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है माइंडसेट। आपका विनिंग होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जीत सकता हूँ, और ये जो जीत की जो फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं मेहनत करूँगा और मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा और मैं जीत को संभव करूँगा। जब इस माइंडसेट के साथ आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो होता है माइंडसेट। और वो कौन सा माइंडसेट होता है? वो होता है विनिंग माइंडसेट। धन्यवाद।